हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेजी पाम टेबलेट के ऊपर। डेजी पाम जो है ये एक एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन है जो कि मेंटल डिसऑर्डर को सही करने के प्रयोग में दी जाती है। जानेंगे इसके बारे में, इसकी कंप्लीट डिटेल्स को, जिसमें इसके यूजेस, इसके ब्रांड नेम और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो व्यक्ति इस टेबलेट को लेता है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं, साथ ही इसकी डोज क्या होती है, और वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि इसके ओवरडोज से क्या हो सकता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस मेडिसिन के बारे में पता चल सके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में। जो डाइजोपाम है ये एक बेंजोडाइजोपिन क्लास की दवाई होती है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो दिमाग को शांत करने वाली दवाई भी हम इसे कह सकते हैं। यह एक एंटी साइकोट्रिक मेडिसिन है जो कि सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर को सही करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यह दवा शेड्यूल H1 की होने के कारण यह दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल पाएगी। साथ ही डाइजोपाम आपको टेबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहती है। लेकिन इस वीडियो में हम डाइजोपाम टेबलेट के बारे में समझेंगे। डाइजोपाम टेबलेट 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेन में मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही डाइजोपाम ये एक दवा का जेनरिक नाम है। अगर आप मेडिकल स्टोर पर लेने जाते हो तो ये अलग अलग ब्रांड नेम के हिसाब से अवेलेबल होती है। तो चलिए सबसे पहले इसके ब्रांड नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पॉपुलर जो इसका ब्रांड नेम होता है वो विलियम है दोस्तों। इसके अलावा कॉम्पोस्ट टेबलेट, जीपोस्ट टेबलेट, डाइजेप टेबलेट, डाइजेप टेबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम है। और भी ब्रांड से ये अवेलेबल होती है पर ये कुछ कॉमन नेम्स है इसके ब्रांड नेम। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके यूजेस की तरफ, कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस कंडीशन में हम इस टेबलेट को दे सकते हैं। ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो कि दिमाग को शांत करने के लिए दी जाती है। इसका अगर सबसे पहला यूज हम देख ले तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर को सही करने के लिए यूज में दी जाती है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक प्रकार की डिजीज है और कह सकते हैं डिसऑर्डर है जो कि हमारे फ्यूचर को लेकर के हम ओवरथिंकिंग करते हैं, जिस कारण से व्यक्ति की बॉडी में ज्यादा चेंजेस होते हैं। वो फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचता है, उसके कारण से एंजाइटी होती है और घबराहट सी बेचैनी होती है। तो उस चीज को सही करने के लिए हम सबसे पहले इस टेबलेट को देते हैं। एक और होते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक मतलब कि वही बेचैनी और एंजाइटी के कारण जो पैनिक अटैक होते हैं उनको सही करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। साथ ही एक और प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं इजिटेशन। इस डिसीज में क्या होता है, ये भी एक मेंटल डिसीज होती है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण के व्यक्ति जो होता है वो कुछ एक्टिविटीज जो रहता है वो करने लगता है, जैसे कि नाचना, दौड़ना और भी कुछ अलग टाइप्स की एक्टिविटी जो नॉर्मल इंसान नहीं करता है वो एकदम से करने लगता है। तो उसे ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है इंसोमनिया। इंसोमनिया अगर किसी व्यक्ति को मतलब कि नींद ना आती हो, नींद आने में प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी ये मेडिसिन जो होती है दी जाती है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो या फिर बेंजोडाइजीपाम विड्रॉल सिंड्रोम हो, अगर एल्कोहल, ओपियम और जो ये मेडिसिन होती है इसको अगर व्यक्ति रेगुलर लेता है तो उसकी बॉडी में ये आदत हो जाती है इन मेडिसिन को लेने की, और जब वो एकदम से इन चीज़ों को छोड़ता है, इनसे दूर होता है, तो उसके अंदर कई प्रकार की फिजिकल और साइकोलॉजिकल गड़बड़ उसकी बॉडी के अंदर होने लगती है। तो उस समय भी इस मेडिसिन को देकर के उस समस्या को कम किया जाता है और उस नशे को छोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी है, जिसे हम मिर्गी बोलते हैं, जिसमें दौरे पड़ते हैं, जिसमें सीजर आते हैं और साथ ही मसल्स में मरोड़ भी चलती है। मिर्गी में क्या होता है, आपने देखा होगा आमतौर पर मिर्गी का पेशेंट जिसमें उसको मसल्स में मरोड़ आती है, अजीब सी एक्टिविटी करता है, तो ऐसे केस में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और एपिलेप्सी के अलावा किसी भी कारण से मरीज में अगर सीजर दिखाई देते हैं तब भी डॉक्टर द्वारा ये दवा जो होती है प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का एक पांव जो होता है वो कंपन करने लगता है, उसमें वाइब्रेशन होता है किसी भी एक पैर में, फिर चाहे व्यक्ति चलते समय हो या फिर बैठा रहे, तो ऐसे टाइम पर उसका पैर जो होता है, एक लेग जो होता है वो वाइब्रेट करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी ये दवा जो होती है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। साथ ही कई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिनका ट्रीटमेंट जो होता है वो बड़ा भयानक होता है, तो उस चीज़ को भुलाने के लिए भी, मेमोरी लॉस करने के लिए भी इस दवा का जो रहता है वो दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, दवा जो रहती है प्रिस्क्राइब की जाती है। इनके अलावा किसी भी प्रकार की अगर व्यक्ति को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसे मेंटली डिसऑर्डर है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ये दवा बहुत ही अच्छी यूजफुल दवाई है, मेडिसिन है, और डॉक्टर द्वारा आमतौर पर ये प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हमने इसके यूजेस सारे डिस्कस कर लिए। आपको एग्जाम में भी इसी वाइज से लिखना है कि किस काम में आती है मेडिसिन, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद ये यूजेस लिख देना, उसके बाद में नीचे हेडिंग डाल के काउंटर इंडिकेशन लिख देना, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सारी दवाई के कुछ ना कुछ काउंटर इंडिकेशन होते हैं, तो इसके भी रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किन किन व्यक्ति को हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, किन किन को इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। सबसे पहले तो अगर यदि कोई प्रेगनेंसी में है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब कि आफ्टर दी प्रेगनेंसी, मतलब कि उन्हें यह दवा नहीं दी जाएगी, या फिर अगर कोई पेशेंट ग्लोकोमा का है, उसे आँखों संबंधित कोई बीमारी है, या फिर किसी को लीवर डिसऑर्डर है,
साथ ही फैटी लीवर की परेशानी अगर किसी को है, रीनल डायलिसिस अगर किसी को हो रहा है, मतलब कि किसी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, तो उस पेशेंट को भी ये दवाई अवॉइड करनी है। डायलिसिस के ऊपर भी पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में, बहुत समय से वो डिप्रेशन में है, तो उस व्यक्ति को भी ये मेडिसिन अवॉइड करनी पड़ेगी। या फिर स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया मतलब क्या होता है, नींद में सांस रुक जाना। या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर साइकोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर साइकोसिस है, अगर इस टाइप्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम मरीज को है तो ये मेडिसिन उनके लिए अवॉइड की जाती है डॉक्टर द्वारा। और पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कॉम्प्लिकेशंस अपने बताए डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर ये दवाई प्रिस्क्राइब करके दूसरी कोई दूसरी मेडिसिन जो कि आपके इंडिकेशंस को शूट करके आपको नुकसान ना पहुंचाए, और ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के ऊपर कि किस तरह से इसको लेना चाहिए, कितने इसके डोज होते हैं, फिर आपको नीचे हेडिंग डाल के डोजेस लिखने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल होती है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करते हैं। जो ये मेडिसिन होती है ज़्यादातर शाम को सोते समय और दिन में एक बार दी जाती है। अगर मरीज को ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो उस टाइम पे उसको 2 बार या 3 बार दी जा सकती है। इस मेडिसिन को हमेशा आफ्टर दी ईटिंग मतलब कि आफ्टर दी फूड लेना चाहिए, जिससे कि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो वो ना हो। और ये दवा जो है ये केवल ही केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही ले, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं लेनी है। सेम और सेम उसी वे में ले जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हो। और अगर आप ओवर द काउंटर अगर इस मेडिसिन को ले लेते हैं, यानी कि डॉक्टर के बताए जैसे डॉक्टर ने आपको बताया उसके अलग वे में अलग तरीके से आप उसको ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा डोज ले लेते हैं या कम ले लेते हैं, तो इसके आपको बहुत ज़्यादा सीवियर नुकसान जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। इस मेडिसिन की एक और बात है, अगर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लगातार इस मेडिसिन को ले लेते हैं तो इस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, बिना इस मेडिसिन के आपको चैन नहीं पड़ेगी फिर, और उसके बाद में इसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सिर्फ एक मेडिसिन लेते रहेंगे 1 महीने तक तो आपको उस कंडीशन में आदत पड़ेगी, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेंगे तो वो आपको पूरा ट्रीटमेंट देंगे कि इसके ज़्यादा आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट ना हो और ज़्यादा आपको इसकी आदत ना डाले। तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। साथ ही क्या क्या आपको प्रिवेंशन का ध्यान रखना अगर ये मेडिसिन लेते हो, जैसे कि पहले बता दिया गया ये एक माइंड से रिलेटेड साइकेट्रिक मेडिसिन है, तो अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद में आपको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं करनी है, हेवी मशीन्स पे आपको काम नहीं करना है, जैसे कि जहाँ पर आपकी कुछ लगने और कटने का इंजरी का जो खतरा हो वो हो। हाइट से उसे दूर रहना है। अगर कोई महिला या फिर बुजुर्ग व्यक्ति इस मेडिसिन को लेते हैं तो वो भी बाइक के पीछे बैठना अवॉइड करे। ये कुछ प्रिवेंशन है जो कि आपको रखनी है। वैसे तो ये दवा जो है एक अच्छी ट्रीटमेंट है साइकेट्रिक के लिए और माइंड से रिलेटेड डिजीज़ के लिए, बट कोई व्यक्ति जितना डॉक्टर ने बताया गया है उससे ज़्यादा ओवरडोज ले लेता है, तो उसको फिर ये चीज़ क्या करती है, मेडिसिन जो करती है वो क्योज करने लग जाती है, और उसे उसके बाद में ओवरडोज इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो फिर क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स और नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो उसमें आपको कई लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि ड्राउजीनेस दिखना, मे बी मेंटल कन्फ्यूजन रहना, पीपी लो हो जाना, डिजीनेस रहना, स्लीपीनेस व्यक्ति को लगना, इम्बेलेंस हो जाना। डिजीनेस मतलब क्या होता है, उसका बॉडी से मसल और जो बॉडी का कनेक्शन होता है वो सही नहीं हो पाता है, वो ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा, उसका कनेक्शन जो रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा और कई बार व्यक्ति कोमा तक में चला जाता है। और यदि आपको कोमा के अलावा ये सारे सिम्टम्स आपको लगे जो कि हमने अभी डिस्कस करे हैं, अगर आपने दवा का ज़्यादा ओवरडोज ले लिया है और आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद में वो आपको संभाल लेंगे, जिससे कि वो आपको डाइजीपाम का एंटीडोट दे सके और आपकी जान बचाई जा सके। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट लिखना है एग्जाम में साइड इफेक्ट। इस दवाई के अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो सबसे पहले आता है डबल विजन होना, जो मुंह रहता है उसमें सूखापन रहना, ड्राई माउथ हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है पूरे दिन, जैसे कि नींद आए ऐसा लगना, स्लीपीनेस लगना बॉडी में, साथ ही मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं होना, मतलब मसल और माइंड का जो कनेक्शन होता है वो सही से नहीं जुड़ पाना, व्यक्ति अपना संतुलन नहीं बना पाता है। इसके अलावा ट्रेमर भी हो सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन अगर हो जाती है ऐसे टाइम पर व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। ये ज़्यादातर एपिलेप्सी के पेशेंट में दिखाई देता है। अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको या फिर सिम्टम्स दिखाई देते तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपको एक सही ट्रीटमेंट और सही सलाह दे सके। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि डाइजीपाम टेबलेट के ऊपर थी, ये एग्जाम में भी पूछा गया है सेकेंड ईयर में, तो आपको एक समझाने के तौर पर वीडियो बनाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।